यस, यू सॉ इट राइट। जब कटक में मैच होता है ना, फॉर दोज पीपल हु आस्क वेर इज कटक, दिस इज कटक एंड इट्स इट्स लाइक अ फेस्टिवल, इट्स लाइक अ ह्यूज फेस्टिवल ओवर हियर। यू कैन इमेजिन हाउ मैड द क्राउड इज। सो स्टे ट्यून्ड, अभी मैं निकल के जाऊंगी, स्टे विथ मी। एक्चुअली वी आर अ फैन ऑफ हार्दिक पांड्या एंड उनके लिए हमने पोस्टर बनाया है ये, एंड वी वॉन्ट हिम एज एन ओपनर। तो चलो निकलते हैं, अभी बजे हैं 5, 5 बजने वाले हैं और 7 बजे से स्टार्ट होता है। एंट्री स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत भीड़ है। टीवी में देख के ही बहुत अलग सा फीलिंग आ रहा है बिकॉज इट्स अ मैच आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम इन कटक। तो लेट मी टेल यू गाइज दैट आई एम एक्सट्रीमली सिक और मेरा गला बहुत खराब है, बट जब कटक में मैच है तो कैसे नहीं देखेंगे। सो वेलकम बैक टू माई क्यूट लिटिल चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। सो दिस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल। हमने यहाँ पे कैम्ब्रिज के बगल में गाड़ी रखा ताकि कम चलना पड़े हम लोग को। आप किस भी तरफ से आओ आपको चल के ही जाना पड़ेगा, सब जगह पे ब्लॉक है। दिस इज फ्रॉम सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल साइड। सो हम लोग आए 3-4 घंटा लेट, 6 बजने वाला है, फिर भी क्राउड उतना ही है। हमें बस 30 सेकंड जल्दी आना था बिकॉज ऑन आवर वे वी सॉ सौरव गांगुली जस्ट एंटरिंग इन दिस गेट एंड अपने रोल्स रॉयस में जस्ट वो हमारे सामने से गुजरे। And these are the buses in which India and South Africa team arrived. Even sanitizer bottles are not allowed. Nothing is allowed. There you go, first glimpse of the stadium. Woohoo! ये सारे boxes के entrance एक ही तरफ थे, हमारा था box number 14. So we went or we crossed around 2-3 boxes. तो यहाँ से उतरे अगर हम थोड़ा जल्दी आते ना तो सब दिख जाते। Even I saw Saurav Ganguly right now. And that's box number 14, जिसमें होते हैं 30 seats और 3 rows. So after a lot of walking, we are here. So यहाँ पे practice चल रहा है and थोड़ी देर बाद ये net हटाए जाएंगे and the match will start. One fact is I forgot the poster I made. Haha. So ये है नवीन पटनायक और सौरव गांगुली going to just inaugurate और इसके बाद होगा धमाका। ओह यस, दैट्स टीम साउथ अफ्रीका कमिंग इन, बट इनसे ज़्यादा चीयर तो तब होगा जब दो इंडियन बैट्समैन अंदर आएंगे। हैव अ लुक। एंड हियर स्टार्ट्स द मैच। And look at this huge crowd.
Oh my god. This is how a AC box looks like. I think 30 seats. That's Pandya entering the ground. मैं वंदे मातरम चल रहा था सारे ऑडियंस का एक साथ इन सिंक एंड लुक एट द अमेजिंग टॉर्च लाइट्स लिट बाय एवरीवन इन द स्टेडियम. दैट्स दिनेश कार्तिक कमिंग इन. एंड ये फैन को तो आप जानते ही होंगे, सचिन तेंदुलकर एंड धोनी फैन, यू ऑल नो हिम. यस. और टीम इंडिया काफ़ी ख़राब प्रदर्शन करते हुए वी वर लिटिल डिसअपॉइंटेड, बट या होप था कि जीतेगा जीतेगा. लेट्स सी. सो दिस इज़ जस्ट आउटसाइड बॉक्स नंबर 7 और ये बैल्कनी इज कॉमन आउटसाइड ऑल द बॉक्सेस और यहाँ से हमें दिख रहा था सारे बसेस. Well, everyone was a bit disappointed. जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया हारने वाली है और एक ओवर बाकी है और पिच में बॉल बाउंस ही नहीं हो रहा है और एक ओवर बाकी है. Let's see. And that's 148 for 6 for India. सेकेंड इनिंग्स में देखते हैं क्या होता है और बॉलिंग कैसा होता है. द सेकेंड इनिंग्स इज गोना स्टार्ट इन 15 मिनट्स. वैसे तो इंडिया हार ही रही है, बहुत कम उम्मीद है. लेट्स सी. एंड यस, दैट्स द फर्स्ट विकेट फॉर इंडिया. गुड लक. That's 13 for 2 in the second over itself. That's Hardik Pandya bowling. Oh, that's a huge 6. So the team wicket then, I'm leaving here. So that was India South Africa match from Barabati, signing off and going back home because my brother was extremely impatient with those chairs. So guys, if you like this special vlog of mine, because it's not a travel content, please let me know in the comment section and wait for some upcoming great travel content. Till then, take care and see you soon. Bye.